छोटी मोटी भूख हो या बच्चों के लंच बॉक्स में देना हो या ट्रैवल में ले जाना हो तो आप इस मीठी पूरी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। एकदम सॉफ्ट और फ्लफी पूरियाँ बनके तैयार होती हैं और बनाने में एकदम आसान है, मिनटों में बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 कप गेहूँ का आटा ले लिया है। इसे आपको गेहूँ के आटे से ही बनाना है, काफ़ी हेल्दी भी होती है। अब हम इसमें 1/2 कप पिसी हुई चीनी डाल देंगे, यानी शुगर पाउडर डाल देंगे, और 1/2 चम्मच इसमें हम सौंफ डाल देंगे, सौंफ से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 1/4 टीस्पून इसमें हम बेकिंग सोडा डालेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सभी को अच्छे से मिक्स कर लें ताकि सभी चीज़ें अच्छे से मिलजुल जाएँ। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल बिल्कुल थोड़ा सा करना है, 1/4 छोटी चम्मच, वरना पूरियों में उसका टेस्ट आएगा। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो लगा के तैयार कर लेंगे। डो सॉफ्ट ना लगाएं, थोड़ा हार्ड डो ही लगा के तैयार करें, क्योंकि हम इसे जब रेस्ट के लिए रखेंगे तो हल्का ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सख्त आटा लगा के तैयार करें। और यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ सख्त आटा लगा के तैयार कर लिया है। मसल मसल के अच्छी तरीके से गूंथ लेंगे ताकि काफ़ी अच्छे से स्मूथ हो जाए। अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और 10 मिनट हो चुके हैं, डो हमारा बहुत अच्छे से सेट हो गया है। बेकिंग सोडा डाला था तो थोड़ा सा फूल भी गया है, और ये देख सकते हैं हल्का सॉफ्ट भी हो गया है पहले से। एक बार अच्छे से मसल लेंगे। अब हम इससे एक बड़ी सी लोई तोड़ लेंगे। आप चाहें तो इसे नॉर्मल पूरियों के जैसे हम पूरियाँ बनाते हैं वैसे भी रोल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे बहुत बड़ा सा बेल के ऐसे कट कर दूंगी तो उसमें ढेर सारी पूरियाँ भी निकल आती हैं और सब एक साइज के होते हैं तो देखने में भी अच्छे लगते हैं। और बच्चों को तो कुछ अच्छा दिखे तो उनको खाने में और मज़ा आता है। तो एकदम बिल्कुल राउंड राउंड शेप की पूरियाँ बनके तैयार होंगी। इस पूरियों को आप हल्का सा मोटा ही बेलें, नॉर्मल पूरियों से हल्का मोटा ही रखें ताकि ये खाने में अच्छा लगे। अब हम इसे एक ग्लास से कट कर लेंगे, आपके पास जो भी हो आप उससे कट कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं कितनी सुंदर सुंदर छोटी छोटी पूरियाँ बन के तैयार हो जाएंगी। इस पूरियों को आप एक बार बना के रख लें और आप इसे आराम से 2 हफ्ते तक स्टोर करके खा सकते हैं। इसी तरीके से सभी पूरियों को बना लेंगे। पूरियों को फ्राई करने के लिए मैंने पैन में तेल गरम कर लिया है, तेल अच्छा गरम होना चाहिए। सारी पूरियों को डाल देंगे एक बार में, जितनी पैन में आ जाए। अच्छी तरीके से इसे हम फ्राई कर लेंगे। ये पूरियाँ मतलब बहुत फ्लफी बनती हैं, बहुत ही बढ़िया लगती हैं। मेरे वहाँ तो लगभग ये सभी को बहुत पसंद आता है। आप इस पूरियों को हरी धनिया की चटनी के साथ सर्व कीजिए या अचार के मिर्चे के साथ, बहुत ही यमी लगता है। इसी तरीके से सभी पूरियों को फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई करने में बहुत ही कम समय लगता है। ये पूरियाँ 1 से 1.5 मिनट में फ्राई होकर तैयार हो जाती हैं, क्योंकि हम इसे हाई फ्लेम पर ही फ्राई कर रहे हैं। देख सकते हैं कितनी बढ़िया पूरियाँ फूल रही हैं। पहले वाले में तेल थोड़ा बहुत ज़्यादा गर्म था तो तुरंत पूरियाँ रेड हो गई। ये वाली बैच भी हमारी फ्राई हो गई है, देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आ गया और पूरियाँ कितनी फुली फुली फ्लफी दिख रही हैं। मैंने यहाँ सारी पूरियाँ बना के तैयार कर ली है, मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट पूरियाँ बन के तैयार हुई हैं, अंदर से एकदम जालीदार। आप इस मीठी पूरी की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा, तभी तो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।